सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच की टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा, फैमिली ब्लैटिडेई, जीनस पेरिपेनाटा, स्पीसीज अमेरिकाना। चलिए अब हम चलते हैं कॉकरोच पर। आमतौर पर कॉकरोच आपके ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन के कॉकरोच की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्राइट येलो, ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन। एक ट्रिक बना सकते हैं कॉकरोच, घेर लगा के भागता है, GYR, ग्रीन येलो रेड। अगर हम अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है और इनके साइज का रेंज होता है 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर। इंच में कन्वर्ट करें तो 1/4 से 3 इंच। कॉकरोच कहीं का भी हो, तीन चीजें पक्का पाई जाएंगी: लॉन्ग एंटीना, लेग, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। कंसील मतलब छुपाना। कॉकरोच आपके नॉक्ट्यूर्नल ओमनिवोरस होते हैं और ये पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, हर डैम प्लेस में, हमारे घरों में, गीली जगहों पर, जैसे वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन में, प्लेट्स के बीच में। इसी वजह से हम कहते हैं कॉकरोच हमारे होम का रेसिडेंट बन चुका है और इसके साथ साथ ही हमारे लिए सीरियस पेस्ट है और बहुत सारी डिजीजेस के वेक्टर होने के नाते हम इन पर इंसेक्टीसाइड स्प्रे करते हैं और इन्हें मार देते हैं। सबसे कॉमन कॉकरोच अगर देखें तो वो है आपका पेरिपेनाटा अमेरिकाना, जिसका साइज है 3453 mm, दैट इज 34 से 53 mm। खास बात पेरिपेनाटा के मेल में ये है कि एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड आगे जाते हैं विंग्स, मतलब विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। नाउ अगर हम बात करें इनकी मॉर्फोलॉजी की तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है और अगर हम इसका डोर्सल सरफेस देखें तो पाई जाती है ब्राउन कलर की काइटनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है थ्री सेगमेंट में, तीन भागों में। फर्स्ट वन इज हेड। अब अगर हम कॉकरोच को साइड से देखें, लेटरली देखें, अगला सेगमेंट थोरैक्स और सा लॉन्गेस्ट सेगमेंट दैट इज एब्डोमेन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। यह है कॉकरोच का हार्ड एक्सोस्केलेटन, जिसकी प्लेट कहलाती है स्क्लेराइट्स, और स्क्लेराइट आपस में कनेक्टेड होती है थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, दैट इज आर्थोडियल मेम्ब्रेन। कॉमन सेंस लगाओ, आर्थो का मतलब ही होता है ज्वाइंट। अब अगर हम बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच की डोर्सल सरफेस पर पाई जाने वाली स्क्लेराइट कहलाती है आपकी टर्गाइट, और वहीं पर अगर हम नीचे की बात करें, मतलब वेंट्रल सरफेस की बात करें, तो वेंट्रल सरफेस की स्क्लेराइट कहलाती है आपकी स्टरनाइट। अब आता है कॉकरोच के हेड का नंबर। अब हेड अगर हम कॉकरोच का देखें तो ये हेड कैप्सूल 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। हेड का शेप ट्रायंगुलर होता है, जो कि थोरैक्स से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन, जिसे हम नेक बोलते हैं। नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कॉकरोच का सभी डायरेक्शन में अपना सर घुमा सकता है। कॉकरोच की जो बॉडी है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर लगा होता है इसका हेड। अब अगर हम बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच का ये जो हेड कैप्सूल है, दोबारा सुन लो बेटा, ट्रायंगुलर होता है, फ्लेक्सिबल हेड होता है, नेक क्या है, प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन। अब अगर हम देखें तो इसकी जो कंपाउंड आईज हैं, ये डोर्सल साइड पाई जाती है, मतलब ऊपर की तरफ पाई जाती है, और इनके आगे इन फ्रंट ऑफ आई पाए जाते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एंटीना, जो मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज होते हैं। एंटीना में पाए जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर, जिसकी मदद से ये एनवायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। अब अगर हम इसके हेड को गौर से देखें, जूम करके देखें, तो हेड के एंटीरियर साइड पाए जाते हैं अपेंडेजेस, जो बनाते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ। अब अगर हम इसके माउथ पार्ट देखें तो माउथ पार्ट देखिएगा। अब इसमें अपर लिप दैट इज लैब्रम सिंगल, मैंडिबल दैट इज लोअर जॉ, ये पेयर होंगे, मैक्सिला अपर जॉ, ये भी पेयर, और लोअर लिप दैट इज लैबियम, और ये है आपकी हाइपोफेरिंग। हाइपोफेरिंग मीडियन बीच में पाई जाएगी, फ्लेक्सिबल होती है, टंग जैसा काम करती है और इस कैविटी में रखी होती है। अब अगर हम बात करें अगला सेगमेंट दैट इज थोरेसिक सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट इनका जो होता है वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। देखते हैं, सबसे पहला प्रोथोरैक्स, अगला मीजोथोरैक्स और लास्ट वन इज मेटाथोरैक्स। अब अगर हम बात करें इनमें लेग्स की तो इनमें थ्री पेयर लेग पाए जाते हैं, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग, मतलब हर थोरैसिक सेगमेंट से वन पेयर लेग निकलेगा। अब लेकिन इनमें विंग्स की बात की जाए तो प्रोथोरैक्स से विंग्स नहीं निकलते हैं, मीजो और मेटा से। मीजो वाला कहलाएगा फर्स्ट पेयर या फोर विंग, और मेटा वाला आपका कहलाएगा सेकंड पेयर या हाइंड विंग। जो फोर विंग है वो टेगमाइना कहलाता है, जो आपका डार्क होता है, ओपेक होता है, लेदरी होता है, और रेस्ट के टाइम पर हाइंड विंग को कवर करता है। वहीं पर अगर हम सेकंड पेयर अर्थात मेटाथोरैसिक विंग की बात करें तो मेटाथोरैसिक विंग जो होते हैं इनके, मतलब हाइंड विंग, वो आपके थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस, और ये उड़ने में मदद करते हैं। अब अगर हम बात करें कॉकरोच के एब्डोमेन की तो एब्डोमेन में पाए जाते हैं 10 सेगमेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अब पहले फीमेल के एब्डोमेन की बात करते हैं। फीमेल के एब्डोमेन में जो सातवीं स्टरनाइट है वो आपका ब्रूट्स बोट शेप्ड हो जाती है, और आठवीं और नौवीं के साथ मिलकर
सातवीं स्टरनाइट बोट शेप और आठ सातवीं वाली आपकी सेवंथ स्टरनाइट आठवीं और नौवीं के साथ मिलकर बनाती है जेनाइटल पाउच, या इसी को हम बोलते हैं ब्रूड पाउच। अब जो जेनाइटल पाउच है इसके एंटीरियर साइड कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग है, इसके साथ साथ आपकी स्पर्मेटिकल पोर की ओपनिंग है और आपके फीमेल गोनोपोर की भी ओपनिंग है। वहीं पर मेल में बात करें तो मेल में आपका नाइन्थ स्टरनाइट एंड नाइन टेंथ टर्गाइट जो कि हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन पर पाई जाएंगी, ये मिलकर बनाते हैं आपके जेनाइटल पाउच, जिसमें जेनाइटल पाउच में पाया जाएगा डॉर्सल एनस और आपका वेंट्रल जेनाइटल पोर और साथ में गोनेपोफिसिस जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। ये डायग्राम आपको नहीं याद करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन कि स्टाइल का क्या कहानी और एनल सर्काई की क्या कहानी है। ये आपके मेल और फीमेल है, दोनों में आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और ये जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर एनल सर्काई कहलाता है जो कि आपका मेल और फीमेल दोनों में। लेकिन एनल स्टाइल को अगर देखें शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आपका सिर्फ पाया जाता है मेल में, इसका मतलब कॉकरोच शो करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच बीइंग द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेपरेट माउथ सेपरेट एनस। हम लोग की तरह इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है थ्री पार्ट में, फर्स्ट वन इज फोरगट, सेकंड वन इज मिजेंट्रोन या मिडगट, थर्ड वन इज हाइंडगट। अब अगर हम बात करें मिडगट और हाइंडगट में तो हाइंडगट ज्यादा ब्रॉडर होती है, ध्यान रखना। फोरगट की जो इनर साइड है वो क्यूटिकल से लाइन होती है जिसकी शुरुआत होती है शॉर्ट ट्यूबुलर पैसेज फेरिंग्स, देन नैरो ट्यूबुलर पैसेज ओसोफेगस, देन आपका आता है हमारे स्टमक की तरह इनमें पाया जाता है क्रॉप। इस क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना। अब जब हम बात करें क्रॉप की तो याद रखना सीधा सवाल आएगा कि फूड स्टोर कौन करेगा, क्रॉप। गिजार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस जिसका काम है फूड की ग्राइंडिंग करना। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो आउटर थिक सर्कुलर मसल लेयर पाई जाएंगी, अंदर हाईली काइटिनस सिक्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और इन सर्कुलर मसल की मदद से यह फूड की ग्राइंडिंग करता है। नाउ अगर हम बात करें अब मिडगट की तो मिडगट जिसे मिजेंट्रॉन बोलते हैं और फोरगट इनके बीच का जंक्शन बनाती है आपकी 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल जो डाइजेस्टिव जूस निकालती है जिसका नाम है हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। और अगर हम बात करें मिजेंट्रॉन जो कि आपको कॉइल दिख रही है, कॉइल्ड होती है मिडगट और हाइंडगट के बीच में पाई जाती है आपकी 100 से 150 येलो कलर की थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो एक्सट्रीशन में मदद करती है। मिडगट और हाइंडगट का आपका जंक्शन बना रही है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, फोरगट और मिडगट का बना रही है हेपेटिक सीका। नाउ जो हाइंडगट है वो मिडगट से ज्यादा ब्रॉडर होता है जिसका सबसे नैरो पोर्शन इलियम, देन कोलन एंड लास्ट वन इज रेक्टम। रेक्टम के बाद आपका जो फीकल मैटर होगा वो एनस के थ्रू हो जाएगा बाहर। इस तरीके से हमने खत्म कर लिया कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच बीइंग द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, दे हैव ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड होते हैं और विसरल ऑर्गन जो हीमोसील में पड़े हैं वो ब्लड से नहा रहे होते हैं। अगर हम एक कॉकरोच को देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ब्लड को जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो इसका ब्लड जिसे हम हीमोलिम्फ भी बोलते हैं उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, चारों तरफ जो लिक्विड पोर्शन है प्लाज्मा और हीमोसाइट सेल। अब अगर बात करें इनके ब्लड की तो ब्लड याद रखना इनका कलरलेस होता है। हार्ट इनका इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 13 चैंबर पाए जाते हैं और अगल बगल एलरी मसल इसे सपोर्ट कर रही है। अब अगर हम बात करें कॉकरोच के हार्ट की तो ये मिड डॉर्सल लाइन पर पाया जाता है, मिड डॉर्सल लाइन, और ये जो फनल शेप चैंबर है हार्ट के इनके साइड साइड छेद पाए जाते हैं जिसे ऑस्टिया बोलते हैं। हमने क्या किया, ऊपर हार्ट पाया जाता है तो बोल दिया पेरिकार्डियल साइनस, बीच में आपका विसरल ऑर्गन पेरिविसरल साइनस, नीचे नर्व कॉर्ड है इसलिए पेरी न्यूरल साइनस। अब साइनस से आपका ब्लड ऑस्टिया से होते हुए हार्ट में फिर एंटीरियरली देन एओर्टा देन वापस। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाई जाती हैं और याद रखना अगल बगल लेटरल साइड छेद पाए जाते हैं जिन्हें स्पैरकल बोलते हैं, 10 पेयर, 2 पेयर आपके थोरैक्स में, बाकी बचे 8 पेयर एब्डोमेन में। अब अगर हम जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि स्पैरकल को रेगुलेट करते हैं स्पिंटर जो कंट्रोल करेंगे कि कितनी गैस अंदर आनी है कितनी गैस बाहर जानी है। नाउ कॉकरोच में जो है आपका जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रांच होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ट्रैकियल ट्यूब जिससे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। और याद रखिएगा ये ट्यूब हर एक सेल तक पहुंचती है, इसका मतलब कॉकरोच का ब्लड जो है वो रेस्पिरेशन में मदद नहीं करता गैसेस को सर्कुलेट कराने में। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बोला था मिडगट मिजेंट्रॉन और हाइंडगट के बीच में 100 से 150 थिन फिलामेंटस येलो कलर स्ट्रक्चर पाई जाती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो पाई जाती है सीलिएटेड ग्लैंड
ब्लड सेल जो कुछ सिक्रीट करेगी, ये क्या करती है, आपका जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट लेगी और नाइट्रोजनस वेस्ट लेने के बाद उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी और आफ्टर दैट ये आपका हाइंड गट से होता हुआ एनस के थ्रू इसका एक्सक्रीटरी मैटर बाहर। इसका मतलब ये यूरिकोटेलिक नेचर के होते हैं। और ध्यान रखना इसमें तीन और स्ट्रक्चर हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। ट्रिक है फन FUN, फैट बॉडी यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट। कॉकरोच के अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं सेगमेंट वाइज अरेंज गैंग्लिया। इधर देखिएगा, यहां पर सेगमेंट वाइज अरेंज गैंग्लिया है जो आपस में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, मींस इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। अगर बात करें कॉकरोच में तो 3 गैंग्लिया थोरैक्स में, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में, टी से 3, टी से थोरैक्स। ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करती है सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया जो कि आपका सप्लाई करती है नर्व को, एंटीना को और कंपाउंड आइस को। बात करें अगर कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की तो उनका नर्वस सिस्टम हेड में बहुत कम होता है, मेन नर्वस सिस्टम बेली साइड वेंट्रल साइड पाया जाता है थोरैक्स और एब्डोमेन में। दैट्स व्हाई अगर हम कॉकरोच का हेड काट भी देते हैं तो ये हफ्तों जिंदा रह सकता है क्योंकि मेन नर्वस सिस्टम इनका थोरैक्स और एब्डोमेन में पाया जाता है, वो भी वेंट्रल साइड। नाउ सेंसरी ऑर्गन इन कॉकरोच, सेंसरी ऑर्गन जिसकी मदद से सेंस करता है, सबसे पहला आपका एंटीना, एंटीना के बाद आपका कंपाउंड आइस, कंपाउंड आइस मैक्सिलरी लेबियल पल्प और आपका एनल सरकाई, ऐसे बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें इनकी आइस की तो इनकी आइस डोर्सल साइड पाई जाती है और आइस के फ्रंट में एंटीना होता है। इनकी सिंगल आई में पाए जाते हैं 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया, 2000 सिंगल आई में, डबल में बोलेगा पूरी बोलेगा तो 4000, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। और अगर हम कॉकरोच की निगाह से किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो आइए देखिएगा मेरे साथ, अगर हम कॉकरोच की निगाह से यहां पर एक जंगल को देखेंगे तो गौर से देखिए रेजोल्यूशन कम है। रेजोल्यूशन मतलब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंशिएट आप आसानी से नहीं कर पा रहे हो, कहां पर कोई प्लांट खत्म है कहां पर अगला शुरू है। तो कॉकरोच की जो आई है उसका रेजोल्यूशन कम है लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अब कॉकरोच में यह भी देखिए तो वो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग ओमाटीडिया से सेवरल इमेजेस ले रहा है, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट की अलग अलग ओमाटीडिया से अलग अलग इमेज आ रही है, दैट इज सेवरल इमेजेस ऑफ अ सेम ऑब्जेक्ट, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं मोज़ेक विजन है कॉकरोच में। तो एज कॉकरोच इज नॉक्ट्यूर्नल इन नेचर, रात में एक्टिव होता है, तो कॉकरोच का जो विजन है वो नॉक्ट्यूर्नल विजन होगा, दैट इज रेजोल्यूशन लो बट सेंसिटिविटी इज हाई। लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एज मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे हैं तो कॉकरोच आपके डायोशियस होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4th से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाते हैं लैटरल साइड टेस्टिस, और टेस्टिस जो स्पर्म बनाता है वो स्पर्म थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपकी पेड़ है वास डिफरेंस के थ्रू पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है आपकी ये स्पर्म पाती है थ्रू सेमाइनल वेसाइकल। इजैकुलेटरी डक्ट आपकी खुलती है मेल गोनोपोर में जो कि आपके एनस के वेंट्रल साइड मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें इनके 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट की तो 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है, खास ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड जो कि बनी होती है आपकी स्मॉल ट्यूब्यूल जो आपकी सेंटर में है और पेरिफेरी साइड जो पाई जा रही लॉन्ग ट्यूब्यूल मिलकर कहलाएंगी मशरूम ग्लैंड जो कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। और इनमें जो सेमाइनल वेसाइकल है उसका काम है स्पर्मेटोफोर का निर्माण करना, मतलब ढेर सारे स्पर्म को ग्लू करके स्पर्म का लड्डू बनाना। अगर बात करें इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलिए, गोनेपोफिसिस बोलिए, फेलोमियर बोलिए, वो इनमें 3 टाइप का है, वेंट्रल राइट लेफ्ट। याद रखिएगा इनके जो फेलोमियर है वो काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसाइकल की तो इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना और स्पर्म को ग्लू करके चिपका के स्पर्मेटोफोर बनाना, दैट इज स्पर्म के लड्डू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पाई जाती है 2 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक 2 लार्ज ओवरी, और ये एक सिंगल ओवरी बनी होती है 8 ओवेरियोल से, और ओवेरियोल में पाए जाते हैं आपके चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, मतलब ओवा बिल्कुल चेन में लगे होते हैं। ओवरी से आती है आपकी ओविडक्ट और ये ओविडक्ट मिलकर आपकी बनाती है वेजाइना, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट। अब ये कॉमन ओविडक्ट जेनाइटल चैंबर में खुलती है थ्रू फीमेल गोनो पोर, उसके याद रखना जेनाइटल चैंबर के एंटीरियर साइड। बात करें स्पर्मेट की तो स्पर्मेट की आपके लेफ्ट वाले फंक्शनल होते हैं, राइट वाले नॉन फंक्शनल, इनका काम है आपका स्पर्म को स्टोर करना। ये देखिए यहां पर आपका मेल और फीमेल कॉकरोच कॉपलेशन कर रहा है, कॉपलेशन करने के बाद आपके जाइगोट बनेंगे और अल्टीमेटली जो इनके फर्टिलाइज एग है वो सब के सब एक कैप्सूल में भर लिए जाते हैं और वो कैप्सूल आपका कहलाता है
ऊथीका, एक सिंगल ऊथीका में 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं। कलर आप देख सकते हो, डार्क डार्क आपके रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन, इनके बीच में इनका कलर आता है। 3x8 inch या आप बोल दीजिए 8 mm लॉन्ग होते हैं। और ये जो ऊथीका है, ये गिराए जाते हैं आपके सरफेस में, वहां पर क्रैक में, क्रिविसेस में, दरारों में, जहां पर ह्यूमिडिटी हाई हो और अगल बगल आपका फूड सोर्स हो। एक बार में ये 9 से 10 ऊथीका रिलीज करते हैं और हर एक ऊथीका में 14 से 16 एग होते हैं। क्लियर, ऊथीका आपका डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। अब इनका जो डेवलपमेंट है वो पोरोमेटाबोलस है, क्योंकि निम्फल निम्फ स्टेज आती है, दैट्स व्हाई इस तरीके के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच 13 टाइम मोल्टिंग करता है तब जाकर वो एडल्ट स्टेज पर आता है। 13 टाइम मोल्टिंग करता है तब एडल्ट स्टेज आती है। और जो लास्ट से जस्ट पहले वाली निम्फल स्टेज होती है उनमें पाए जाते हैं विंग पैड्स, विंग पैड पाए जाएंगे इस स्टेज में और सिर्फ विंग सिर्फ पाए जाएंगे एडल्ट में। अधिकतर स्पीसीज कॉकरोच की वाइल्ड नेचर की होती है और ये हमारे किसी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं। कॉकरोच जो है हमारे लिए सीरियस पेस्ट है, क्योंकि ये हमारा खाना अपने स्मेली एक्सट्रीटा से खराब कर देते हैं और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस के ये वेक्टर है। कुछ स्पीसीज कॉकरोच की हमारे घरों की रेसिडेंट भी बन चुकी है। दिस इज एंड ऑफ द रिविजन ऑफ कॉकरोच। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।